कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की यहां पर पीठ थपथपाने के साथ साथ कांग्रेस पर भी आज जमकर हमला बोला। कठुआ में भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में आज आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर आतंकवाद को खत्म किया है। अब दिल्ली का लाल किला हो या फिर श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर विकास हो रहा है। उन्होंने देश के जो विभाजन है उसको लेकर भी कांग्रेस को जमकर घेरा है और जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि अब देश में पटाखा भी अगर फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है, इसमें उसका हाथ नहीं है क्योंकि उसे पता है कि अब भारत में मजबूत सरकार है। योगी जी का जय श्री राम। योगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी बेझिझक एक सांसद के रूप में एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। और आज मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, जो विकास है आज आप देख रहे होंगे, 4 लेन और 6 लेन की एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का संजाल, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर सिंचाई की सुविधा, हर घर नल की योजनाएं, ये सब हो ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पूछिए इन लोगों से, जो लोग इस देश के विभाजन के जिम्मेदार हैं, घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था, राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण न केवल हो गया है बल्कि आज आप अयोध्या जाएंगे आपको आज परिवर्तन देखने को मिलेगा। अयोध्या में लगेगा जैसे त्रेता युग का अयोध्या यहां उतर आया है, साक्षात उतर आया है। जब अच्छी सरकार आती है तो यही होता है, अच्छी सरकार आती है यही होता है। काशी में आप जाइए, काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। लोग बोलते थे काशी विश्वनाथ धाम संकरी गली थी, बामुश्किल 5 लोग जा पाते थे, आज 50,000 श्रद्धालु भी एक समय वहां आ जाए मंदिर परिसर में, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए यह कार्य भी आज देखने को मिल रहा है। जो ब्रिटेन लगभग 200 वर्षों तक जिस भारत पे शासन किया था उस ब्रिटेन को पछाड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और आज तो हम इसीलिए आए हैं, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास अपनी बात कहने के लिए, कोई जाति की बात करेगा, कोई क्षेत्र की बात करेगा, कोई भाषा की बात करेगा, कोई किसी अन्य बात की बात करेगा। तो जम्मू रियासी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने यहां आज अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में अपना चुनावी प्रचार किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने कांग्रेस का भी दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिनका
जुगल किशोर शर्मा ने पार्टी में जोरदार स्वागत किया। जुगल किशोर शर्मा ने वहां आयोजित एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर लोगों से देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वर्ष में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव प्रचार में आज हम अखनूर विधानसभा के गढ़वाल, प्रगवाल और गुड़ा क्षेत्र में हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह का उत्साह है नौजवानों में, कार्यकर्ताओं में, माताओं में, बहनों में और बुजुर्गों में। ऐसा लगता है कि एक जन सैलाब उमड़ कर आ गया है और विशेष तौर पर इस क्षेत्र के जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर थे, चाहे वो नीलम सिंह जी हों, चाहे वो मदन जी हों, चाहे वो चिब साहब हों, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और कहा है कि देखिए जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं वो किसी ने नहीं किया। ये बॉर्डर क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र है, आज सीमाएं सुरक्षित हैं, बॉर्डर शांत है, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। इसीलिए सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में बहुत ही उत्साह है। तो जम्मू रियासी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने भी अपना प्रचार तेज कर लिया है और दावा किया है कि इन लोकसभा चुनावों में गठबंधन के उम्मीदवार दिल्ली का तख्त जो है वो पलट कर रख देंगे। बिश्नोई में आज रमन भल्ला ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो निकाला और पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन चुनावों में 400 से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा का नामो निशान इन चुनावों में मिट जाएगा और कांग्रेस यहां आखिरी दम तक लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने को प्रतिबद्ध है। कहने की जरूरत नहीं, बिश्नोई के लोगों ने जो भारी समर्थन दिया, हमारे हौसले बुलंद किया, लगता है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सारी सीटें यहाँ पे जीत के हम दिल्ली का तख्त जो है वो बदलने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। जो आप दावे करते थे 400 पार, अभी जनता बताएगी वो किस पार वहाँ पे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जितने जख्म देके स्टेट का दर्जा छीन के, बुजुर्गों की पेंशन बंद करके, स्मार्ट मीटर लगा के, टोल प्लाजा लगा के, प्रॉपर्टी टैक्स का भी भरपूर मार की, यहाँ पे छोटा व्यापारी दुखी है, यहाँ पे जवान जो बॉर्डर में रहने वाले लोग जवान की सर्विस में अपना रोल अदा करते थे पैरामिलिट्री फोर्स में, अग्निवीर योजना ने उनके उम्मीदों पे पानी फेर दिया, लोग बड़े दुखी हैं। तानाशाही सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं और कांग्रेस के नुमाइंदे होने के नाते पूरे बिश्नोई के लोगों ने जो समर्थन दिया, मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिरी दम तक इनके हक की लड़ाई यहाँ पे लड़ूंगा। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता व पूर्व डीआईजी अशोक कुमार अत्री ने इस बैठक की अगुवाई कर यहां कार्यकर्ताओं से गठबंधन को लेकर उम्मीदवार रमन भल्ला के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। ये पार्लियामेंट इलेक्शन की नोटिफिकेशन आई है और जैसे कि हमें आपको मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में जम्मू की ये जो दो सीटें हैं, कठुआ उधमपुर की और जम्मू की सीट है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि हम जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को वो सपोर्ट करेंगे। तो उसी सिलसिले में हम जो है अपने रामगढ़ ब्लॉक पे, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जगह जगह पे जो है उसी दिन से नोटिफिकेशन आने के बाद जो है हम मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इंटरेक्शन कर रहे हैं और सबसे ये अपील कर रहे हैं कि जब ये मैसेज जो है पार्टी लीडरशिप का, इसको आप वोटर तक पहुँचाएँ और उनको कहें कि आने वाले इलेक्शन में जो है ये जो बारीक कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है और जिसमें रमन भल्ला साहब कांग्रेस के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ईद उल फितर का त्यौहार आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी जम्मू की ईदगाह में आज ईद की नमाज का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए और नमाज अदा कर एक दूसरे को इस पर्व की मुबारकबाद दी गई। तमाम दुनिया में बसने वाले इंसानों को इस मुबारक दिन पर ईद मुबारक पेश करते हैं। ईद मुबारक का मतलब यह होता है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे काम में, हमारे कारोबार में, हर चीज़ में बरकत आ जाए और बरकत का मतलब यह होता आफियत के साथ हमारी ज़िंदगी गुजर जाए। कुत्ता भी भूखा मर गया तो मरने के बाद मेरा रब और मेरा मालिक उस कुत्ते के बारे में पूछेंगे, तो गोया वहाँ से एक पैगाम मिलता है। जो मुल्क का सरबराह होता है
उनको हर बंदे के बारे में बल्कि पूरी मखलूक जो भी उनके मुल्क में अंदर रहती है उनका ख्याल रखना होता है। हम दुआगो रहेंगे कि आइंदा जो भी हुकूमत आएगी वह ऐसे ही इंसानों के लिए बल्कि मुल्क के लिए मोहब्बत करने वाली, मुल्क की वफादार हो, मुल्क के साथ अमन और चैन के साथ रहने वाली और रखने वाली हो। तो ये एक दिन खुशी का जो है वो दिया गया है, तो आज तो हमारी डबल खुशी है क्योंकि एक तरफ ईद का भी हो गया, साथ में नवरात्रों का भी है। तो मेरा हमारा यही है कि यहाँ का भाईचारा जो है वो बना रहे। हम लोग जिस तरह से जिस सोसाइटी में यहाँ पे काफ़ी जो है भाईचारे की मिसाल जो है जम्मू कश्मीर का, तो हम दुनिया में कहते हैं कि खासकर इंडिया में तो जम्मू तो एक मिसाल बना हुआ है जिसको उर्फ में आम लोग बड़ी ईद कहते हैं। तो ये ईद उल फितर जो ईद का दिन है, खुशी का मौका है, यही पैगाम है हमारी तरफ से भी। और ये मौका भी होता है कि हम खुशी फैलाएं और खुशी का ही पैगाम दें, भाईचारे का पैगाम। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज ईद का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया है, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कठुआ, उधमपुर, पुंछ और डोडा जिले के भद्रवाह में भी लोगों ने धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई है और ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। तो जम्मू के शास्त्री नगर इलाके में स्टूडेंट्स के यहाँ स्टडी वीजा का प्रबंध करने, उन्हें आलर्ट्स की ही सुविधा देने व टूरिस्ट वीजा का यहाँ इंतजाम करने के लिए भी आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि एक कार्यालय खोला गया है और इस कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मंत्री व कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, साथ ही साथ बताते चले कि ये पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जो कि आप देखिए श्यामलाल चौधरी वहां पर पहुंचे हुए थे। पूर्व मंत्री ने बताया कि इस कार्यालय की यहां खुलने से स्टूडेंट्स को उज्जवल भविष्य का सपना साकार करने का मौका मिलेगा। तो साफ तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी पहुँचे हुए थे और उद्घाटन किया। ड्रीम बियॉन्ड बॉर्डर आइलेट्स और स्टडी वीजा, वर्क वीजा, जो हमारे बच्चे जहां बाहर जाने के लिए इच्छुक होते हैं अपनी लाइफ बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, उनके लिए ऑफिस खोला गया है। पहले भी काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और ये लगता है कि अपने एरिया में काम करने का मज़ा भी आता है और अपने लोगों के लिए भी काम करें, इसके लिए जहाँ से ये वीजा लगे और अपने लोग सही तरीके से गाइड करेंगे और उनको गाइडेंस देने के बाद इंग्लिश भी उनको ट्रेनिंग भी देंगे और ट्रेनिंग देके ताकि वहाँ जाकर वो सफल हो, वो अच्छा काम कर सके, अच्छी पढ़ाई कर सके। उसके लिए इस अपने इलाके में शास्त्री नगर में आज ये ऑफिस खुला है और इस ऑफिस खोलने से हमारे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारे बच्चे गाइडेंस लेकर बाहर जाएंगे और बाहर की कंट्री में जाकर स्टडी भी करेंगे, काम भी करेंगे, अपना अपने आने वाला जो जीवन है उसको भी ठीक करने के लिए, अपना फैमिली को चलाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जहाँ ये ऑफिस है बहुत अच्छा है। इस ऑफिस खोलने के लिए इनके परिवार को, इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने ये अच्छा काम करने के लिए, अपने लोगों को अच्छी गाइड करने के लिए जो ऑफिस खोला गया, इनको बहुत बहुत मुबारक है। ये ऑफिस दिन दुगनी दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी के तहत सुचेतगढ़ के गांव चक बहाबदिन में एक डिजिटल सेवा केंद्र खोला गया है। इस केंद्र में लोगों को कई प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने किया। आज जिस तरह हमारे देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनकी मंशा है कि हर जो कोऑपरेटिव धारा है उसको चलना चाहिए, उसी तरह जो हंसा कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटी है उसका जो कॉमन सेंटर खोला गया जिसमें हर किस्म की फैसिलिटी लोगों को मिलेगी। और अभी जहाँ खोला गया, जब वहाँ मैं तो कहूँगा कि कोऑपरेट डिपार्टमेंट से वहाँ फंड रखा जाए और रखने के बाद वहाँ अच्छी बिल्डिंग बने और जहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी जो आज से पहले वहाँ मिलती थी उसी तरह की मिले, और मैं तो कहूँगा कि वहाँ के
जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं हमारे चौधरी ओंकार जी, उनके प्रेसिडेंट हैं हमारे सवर जी, और इनके रहते हुए उस सोसाइटी में आज जहां कॉमन सर्विस सेंटर जो खोला गया, इसका आम लोगों को इसको बहुत। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा अरिसपुरा की वार्ड नंबर 6, 4, 7 और 8 के अलावा 10 में भी बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, अरिसपुरा जम्मू साउथ जिला की प्रधान रेखा महाजन और प्रभारी अयोध्या गुप्ता सहित अन्य भाजपा के पार्टी अधिकारी और पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को हमेशा अपने साथ लेकर चलती है और जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश के हर इलाके में विकास के साथ साथ लोगों के हित के लिए काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बदौलत ही देश की सरहदें सुरक्षित हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 26 अप्रैल को खुद भी वोट डालने और लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट डालने का आह्वान किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हजू किसको जाएगा? 370 किसने तोड़ी? तो वोट किसको जाएगा? हमारा 5-5 लग गया तो वोट किसको जाएगा? हमारे 26 अप्रैल की जेडे वोट पैन है, क्योंकि सारे ने कमल का बटन दबा के इन्ने ज्यादा वोट दे रहे हैं, पता लगेगा थोड़े इतने के जेडे नेता ने सतपाल पप्पी ने बाकी सारे ने अगर थोड़े बिच रह के अच्छी सेवादार बन के सेवा की थी है। देश के प्रधानमंत्री ने भी एक सेवादार बन के सेवा की थी है, अगर सेवा की थी है तो सेवा का जरा हूँ साढ़ा भी फर्ज बनता है कि दोबारा मौका मिले। उसके करके 26 अप्रैल की जरा अपना वोट है कमल का निशान बटन दबा के भारी बहुमत इतने मैंबर पार्लीमेंट की जताइए, जरा सा योगदान होए और देश के प्रधानमंत्री की जी जिस चीज की जरूरत है कि ज्यादा एम पी बन और दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन, उदे करके अही जिहड़े दिन बचे नाल काम करिए और अपना वोट भी दईए, अपने साथियों दे वोट भी दईए। तो चैत्र नवरात्रों का आज दूसरा नवरात्र है। मां के भक्त मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना कर रहे हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन जम्मू के बाहूकोट में स्थित मां काली बावे वाली माता के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मां के भक्त लंबी लंबी कतारों में नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां बावे वाली माता की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश के साथ साथ परिवार की खुशहाली की कामना की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का आज द्वितीय नवरात्र है। माँ ब्रह्मचारिणी माता आप सब भक्तों का कल्याण करे। माँ बावे वाली माता आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। दिव्य एवं ज्योतिर्मय माता ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है तथा तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को सिद्धों को अनंत फल की प्राप्ति होती है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय अत्यंत भव्य है। इनकी उपासना से जप तप त्याग वैराग्य सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। इन देवी के बाएं हाथ में तप की माला है और बाएं सुबह से आए हैं खूब इतने, और कल तो कह रहे हैं कि इतनी भीड़ थी यहाँ पे, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। और जम्मू में तो बावे वाली माता की बहुत शक्ति है और बहुत मान्यता है। और जो वैष्णो देवी दर्शन करने, मतलब ये इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बड़ा अच्छा लगा कि बस माता रानी के दर्शन हो गए हैं, बड़े आराम से दर्शन हुए। और कल तो काफ़ी भीड़ थी और आज भी बस लोग तो आ ही रहे हैं, सुबह सुबह तो कम ही भीड़ होती है। तो आप सब भी आइए फिर जम्मू वालों, जय माता दी। इसकी बूढ़ी माँ है चाहे छोटा बच्चा है चाहे हम जैसे, क्योंकि 50+ होने पर ये लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, पर माँ की शक्ति ऐसी है, इच्छा मन में रखो और माँ खुद बुलाती हैं अपने दरबार। और यहाँ सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि भाई खुद ही मतलब मन करता है कि भाई सही से सब सिस्टम होने की वजह से दर्शन अच्छे हो जाते हैं। चलिए फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।